नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मन और आज 4 फरवरी है जिसमें कि पूरा विश्व आज कैंसर दिवस के रूप में मनाया रहा है। जो कैंसर की बात करें तो जो अभी थीम है जो 2021-22-23 की 51 थीम है कैंसर की, वह है क्लोज द केयर गैप। साथियों, आज दैनिक भास्कर में बहुत ही बड़ी आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें डॉक्टर राजेश गुजराती जी जो कि अंको सर्जन है बॉम्बे हॉस्पिटल में और डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, और अभी पिछले ही हफ्ते एक खबर बहुत अच्छी आई थी कि जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने जो सर्वाइकल कैंसर के लिए एक सर्वाविक वैक्सीन बनी है जो कि देश की पहली वैक्सीन है, हमारे भारत निर्मित वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए। तो जो हमारे दीपक गुप्ता सर हैं जो भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक आर्टिकल आज मुझे दैनिक भास्कर में देखने को मिला और मैं चाहता हूँ कि वो आर्टिकल की सारी बातें आम लोगों तक भी पहुँचे, जिनके पास में ये पेपर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके पास पर भी जाए। उन्होंने 5 अचूक ऐसे काम बताए हैं जिनको करने से 13 तरह के कैंसर से बचाव हो सकता है। यदि हम हमारे दैनिक हम ये तो जानते हैं कि हमारी जो दिनचर्या में परिवर्तन हुआ है वही कैंसर का एक प्रमुख कारण बनता है। कई बार कैंसर यदि जेनेटिक है, यदि परिवार में पहले से चल रही है वंशानुगत हो रहा है तो होता ही होता है, या उससे बचाव कर सकते हैं, काफ़ी हद तक हम रोक भी सकते हैं। सबसे प्रथम उपाय उन्होंने कहा है कि रात का भोजन सोने से 2 घंटे पूर्व हो जाना चाहिए। वो इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि यदि हम समय से पहले खाना खा के 2 घंटे पश्चात सोएंगे, खाना खाने पश्चात सोएंगे तो हमारी जो सर्कैडियन रिदम है, हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो प्रभावित नहीं होती है, जिससे कि हमारी नींद की गुणवत्ता खराब नहीं होती। यदि प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए 9 बजे से पहले खाना खा ले। यदि आप 11 बजे सो रहे हो तो 9 बजे से पहले खाना खा ले, जिससे कि कैंसर का खतरा 20% कम होता है, जिसमें प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम होता है। दूसरा महत्वपूर्ण उन्होंने उपाय बताया कि रोज 2 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी या तरल पदार्थ यदि हम 2 लीटर प्रतिदिन पीते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लैडर के कैंसर का खतरा कम हो जाता है, साथ साथ कोलन के कैंसर का खतरा भी कम होता है। क्योंकि पानी या जो तरल पदार्थ होते हैं ये हमारे जो विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे कि कैंसर की रोकथाम हो सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय उन्होंने बताया है वॉक। लंच ब्रेक में 30 मिनट वॉक पेट और लीवर कैंसर से बच सकेंगे। यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वॉक करते हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी से एक्सरसाइज करते हैं, तो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार यदि सप्ताह में 5 दिन लंच ब्रेक के दौरान 30 मिनट की वॉक भी कर ली जाए तो लीवर, पेट, किडनी, ब्रेस्ट सहित 13 तरह के कैंसर से का खतरा घटता है। वॉकिंग से कैंसर पैदा करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो घटते हैं, जैसे वॉक का फायदा ब्रेस्ट कैंसर से बचाव में ज़्यादा होता है। एक महत्वपूर्ण जो आमतौर पे हम देखते हैं कि एक सेब डॉक्टर से दूर रखता है, वही बात यहाँ पे विशेषज्ञों ने बताई है। उन्होंने कहा है कि आप यदि एक सेब का सेवन करते हैं तो फेफड़े के कैंसर का खतरा 25% कम हो जाता है। जैसा हम देखते हैं कि भारत में पुरुषों में फेफड़े का कैंसर सबसे अधिक पाया जाता है और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सबसे अधिक पाया जाता है, तो यदि हम एक सेब खाते हैं तो 25% तक हम फेफड़े के कैंसर को मात दे सकते हैं, उसका खतरा कम कर सकते हैं। ऐसे पाचक नली के कैंसर में लगभग 50% की रोकथाम कर सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा 20% तक कम हो सकता है, और इसके अलावा आंत और मुंह के कैंसर का खतरा भी घटता है, क्योंकि सेब में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर और हृदय रोग को कम करते हैं, हृदय रोग के खतरे को कम करते हैं। आखिरी और पांचवा महत्वपूर्ण उपाय बताया है हमारे विशेषज्ञों ने कि सप्ताह में 1 दिन उपवास करना चाहिए। सप्ताह में 1 दिन उपवास करने से क्या होगा कि जो कैंसर की कोशिकाएं होती है वो ग्लूकोज पर निर्भर रहती है, और यदि आप सप्ताह में 1 दिन उपवास करेंगे तो कैंसर के खतरे को न केवल कम करता है बल्कि यदि शरीर में कैंसर है तो उसे बढ़ने से भी रोकता है, क्योंकि उपवास के दौरान रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है जिससे कि कैंसर कोशिकाओं की ग्रोथ रुक जाती है। 5 महत्वपूर्ण उपाय हमारे विशेषज्ञों ने आज दैनिक भास्कर में प्रकाशित किए हैं। साथियों, जैसे कि बहुत सारी हमारी ऐसी आदतें होती है, जैसे हम डिब्बा बंद भोजन करते हैं, डिब्बा बंद भोजन में
स्मोक में पकाया जाता है और उसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट मिलाया जाता है खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करने के लिए, ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो सके। लेकिन जब हम इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जब हमारे शरीर में जाते हैं, तो ये एन जो नाइट्रेट होता है वो एन नाइट्रोज कंपाउंड में बदलता है, जो कि कैंसर का खतरा बढ़ाता है। इसलिए स्वच्छ ताज़ा बना भोजन ग्रहण करना अधिक उचित रहेगा बजाय कि डिब्बा बंद खाने के। अधिकतर रूम फ्रेशनर का हम इस्तेमाल करते हैं सुगंध बढ़ाने के लिए, जिसमें सिर्फ फार्मेल्डिहाइड और नेप्थलीन जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये रूम फ्रेशनर हवा में से केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि कैंसर पैदा करते हैं, इसलिए हमें रूम फ्रेशनर को भी अवॉइड